जय हिंद फ्यूचर ऑफ इंडिया, आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में बात करने वाले हम लोग का सीकॉर शिपिंग सर्विसेज लिमिटेड कंपनी के बारे में। देखिए, समुद्री जहाज के माध्यम से व्यापार करने वाली कंपनी है, ट्रांसपोर्ट के सेक्टर में काम करती है। देखिए, काम धाम तो काफ़ी बढ़िया है। इसके पहले भी मैंने जब भी इसके ऊपर वीडियो बनाया है तो इसके काम के बारे में समझाया है कि जो काम है उसके बेसिस पे भी सिर्फ लंबी अवधि में इसके शेयर प्राइस में तेजी बनेंगे। लेकिन अभी क्या है कि कुछ दिनों से इसमें लोअर सर्किट लगा है, जिस वजह से प्राइस इसका नीचे आ रहा है, तो लोग इसमें जो इन्वेस्टमेंट किए हैं पैनिक में आ गए हैं। देखिए, पैनिक में आने से समस्या का समाधान नहीं होगा। आपने जब इसमें इन्वेस्टमेंट किया था तो क्या आप शॉर्ट टर्म के हिसाब से सोच कर किए थे? शॉर्ट टर्म के लिए यदि किए हैं तो उसके लिए भी मैं आपको रणनीति बताऊंगा इस वीडियो में कि आगे आपको क्या करना है। लेकिन जब भी आप इस तरह के एक अच्छी खासी स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका विजन लॉन्ग टर्म का होना चाहिए। ये मेरा पर्सनल राय है। लॉन्ग टर्म के हिसाब से यदि सोचेंगे तो जो कंपनी का काम है और जिस तरीके का कंपनी व्यापार करती है, जो फंडामेंटल भी उसके बेसिस पे इसके शेयर प्राइस में भले आज गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन इसमें तेजी आएगी ही आएगी, इसलिए उतनी बड़ी चिंता की बात नहीं है। मैं एक बार फिर से रिकैप कर देता हूँ इसके जो काम है, कंपनी के काम को, ताकि जो लोग हाल फिलहाल के दिनों में इसमें पैसे लगाए होंगे उनको थोड़ा सा राहत मिल सके। देखिए, ये कंपनी काम क्या करती है, लॉजिस्टिक्स बेस्ड कंपनी है। बेसिकली समुद्री जहाज के माध्यम से इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट का काम करती है। तो आप जानते हैं कि इस तरह के जो काम होते हैं ना, ये काफ़ी इसमें मतलब फायदा होता है, बेनिफिट होता है, काफ़ी बेनिफिशियल काम माना जाता है। तो सिर्फ काम के बेसिस पे भी इसमें लंबी अवधि में तेजी बनेगी। अब थोड़ा सा फंडामेंटल यदि मैं आपको बताऊं, मार्केट कैप देखेंगे 200 करोड़ के आसपास, बहुत छोटी सी कंपनी है। सोचिए, इतनी छोटी कंपनी होकर इतना बड़ा व्यापार करती है, तो इसका विजन कितना बड़ा है। तो मार्केट कैप आप समझ गए। स्टॉक का पीए भी बहुत कम है। देखिए, सामान्यतः जो छोटे स्टॉक्स होते हैं ना, उनके पीई इतनी कम नहीं होते। यहाँ पे पीई कम है, कम नहीं है, ठीक ठाक है। पीई हमेशा कम ही होना चाहिए, जितना कम हो उतना अच्छा माना जाता है। और इसका शेयर प्राइस अभी भी इसके बुक वैल्यू से ज़्यादा है, यह भी बढ़िया बात है। शेयर प्राइस हमेशा बुक वैल्यू से ज़्यादा होना चाहिए। रिटर्न ऑन इक्विटी देखेंगे इस कंपनी का तो आपको देख के दिमाग खराब हो जाएगा। 36% के आसपास इस कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी है, यानी कि आपकी आपने जिस जो इस कंपनी के शेयर्स की बाई किए, यानी कि जो इक्विटी बाई किया है, आपकी इक्विटी पे कंपनी साल भर में कम से कम 36% रिटर्न निकाल कर देने का दमखम रखती है। इसको आरओई कहते हैं। तो इतना कमाल आरओई किसी दूसरे पेन स्टॉक्स में आपको देखने को नहीं मिलेगा। और एक बात मैं यहाँ पे आपको अभी स्पष्ट कर दूँ, ये जो गिरावट की आप बात करें तो गिरावट सिर्फ इसी स्टॉक में है। ओवरऑल जो तमाम निफ्टी 50 के स्टॉक्स हैं, जो तमाम इंडेक्स के स्टॉक्स हैं, पूरे मार्केट में ही कहें एक प्रकार से पेन स्टॉक में समझें, तो उसमें गिरावट देखने को मिल रही है। तो ये एक ऐसा इकलौता स्टॉक नहीं है जो मार्केट से बाहर है या इसमें गिरावट नहीं आएगी। गिरावट ओवरऑल सभी स्टॉक्स में हो रहा है, तो थोड़ी बहुत गिरावट इसमें भी आपको देखने को मिलेगी। अब थोड़ा सा टेक्निकल डाटा के माध्यम से आपको मैं कुछ समझाने की प्रयास करता हूँ। एक साल का चार्ट पड़ा है यहाँ पे, देखिए इस लेवल को, जो 3 रुपये का लेवल है और ये 4 रुपये का लेवल है, इसको मार्कडाउन कीजिए। ये बेसिकली इसके लिए कंसोलिडेशन वाला रेंज रहा है। इसमें स्टॉक काफ़ी समय से समय बिताया है और फिर से प्राइस गिर के इसी रेंज में आपको आ गया। फिर इसमें क्या करेगा, कुछ दिन समय बिताएगा, समय बिताने के बाद फिर से प्राइस निकलेगा तो ऊपर ही जाएगा। इस बात को आप नोट करके रख लीजिए। इसके ऊपर निकलेगा तो जो लोग यहाँ पे बाई किए होंगे, यहाँ पे बाई किए होंगे, मान लीजिए एकदम टॉप पर भी बाई किए होंगे, तो आप यकीन रखिए जब भी इसके ऊपर निकलेगा तो जहाँ पर आप निकलना चाहे यहाँ से निकलेगा तो इजीली आपको 5 से 6 रुपये तक, यहाँ तक 5 से 6 रुपये तक आते हैं, कम से कम यहाँ तक ले देखिएगा। तो आप जहाँ पर भी बाइक किए हैं वहाँ से निकलना चाहते हैं तो निकल सकते हैं। रही बात उनके लिए जो जिनका विजन 5 साल 10 साल के लिए इस स्टॉक्स में है, जो लंबी अवधि के लिए इस स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट किए हैं, तो उनको देखिए क्या करना है। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, लॉन्ग टर्म का स्टॉक है, इस तरह के जो व्यापार करने वाली कंपनियाँ होती है लंबी अवधि में भी इसमें पैसा बनता है। तो अभी आपको कहीं पर भी आप बाई किए चुपचाप बने रहिए। जितना ज़्यादा इस रेंज में समय बिताएगा उसके बाद जब ब्रेकआउट होगा तो उतना ही ज़्यादा, उतना ही लंबा इसमें छलांग देखने को मिलेगा, शेयर प्राइस उतना ही ज़्यादा इसका ऊपर की तरफ जाएगा। तो आपको इसमें समय देना है। प्राइस को उसके नीचे आने के चांसेस कम है, थोड़ा बहुत नीचे आ सकता है इस लेवल के आसपास, जो कि इसके लिए तकरीबन इतना, इसको मान लीजिए 3 रुपये 3.5 रुपये के आसपास का लेवल होगा, लेकिन इससे इसके ज़्यादा नीचे आने के चांसेस नहीं है। तो इस प्राइस इसी के बीच में अभी मूवमेंट करेगा और आपको इसमें बने रहने की ही सलाह दी जाएगी। बाकी जो करना चाहते हो तो आप करने के लिए स्वतंत्र है। अपने मन से बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है तो अभी भी इसकी निकल जाइए, लेकिन उससे लॉस कम नहीं होगा। पेशेंस के साथ काम करेंगे तब पैसा बनेगा। जब आप बैलेंस शीट देखते हैं इस स्टॉक का, तो आपको दिखेगा कि इस स्टॉक में कंपनी में कर्जा बहुत ही कम है। इसके डेप्ट आपको पिछले क्वार्टर मुकाबले देखेंगे तो कम होते हुए दिखा, 28 करोड़ से कम होकर कंपनी का डेप्ट भी 25 करोड़ के आसपास आ गया। हालांकि इसी बीच में कंपनी का जो रिजर्व पैसा होता है, जो कैश फ्लो होता है, वो भी आपको बढ़ते हुए दिखेगा। 28 करोड़ से बढ़कर सीधे 69 करोड़ के आसपास हो गया। ये एक प्लस पॉइंट है, यानी कि कंपनी का कहीं ना कहीं बिजनेस ग्रो कर रहा है।
तभी कंपनी इसमें इसके पास रिजर्व पैसे आ रहे हैं, जो कर्जे हैं उसको कम कर रही है। यहाँ पे मैं जब आपको क्वार्टरली रिजल्ट पे दिखाऊंगा, तो क्वार्टरली रिजल्ट पे आप देखिए कि इस कंपनी का अभी तो खैर दिसंबर क्वार्टर रिजल्ट इसके नहीं आए हैं, क्वार्टर थ्री वाला सितंबर क्वार्टर का जो डाटा है इसके हिसाब से देखेंगे तो कंपनी का सेल्स बढ़ा है, पिछले कुछ क्वार्टर मुकाबले जबरदस्त सेल्स हुआ है। और सिर्फ सेल्स ही नहीं हुआ है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी आपको बढ़ते हुए दिखाई। देखिए ये पिछले कुछ क्वार्टर्स के नंबर हैं, उसके मुकाबले जो लास्ट क्वार्टर के नंबर आए थे कितना ज़्यादा हुआ था, तकरीबन 11 करोड़ के आसपास कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। और नेट प्रॉफिट भी आप देखेंगे तो नेट प्रॉफिट भी बढ़ा है। सिर्फ नेट प्रॉफिट में क्या होता है कि बेसिकली टैक्स ऑफ देने के बाद कंपनी के पास बचता है, तो ये मेन होता है। तो ये अभी आपको बढ़ते हुए दिखा है, 5 करोड़ से 7 करोड़ हो गया। तो ओवरऑल सारी चीज़ें मुझे इस स्टॉक्स में जो कंपनी के जो काम है फंडा प्लस जो काम है और जो फंडामेंटल है, दोनों ही ग्रो करते हुए नजर आ रही। जो जिस इंडस्ट्री में या जिस सेक्टर में कंपनी काम करती है, सेक्टर का ग्रोथ है, इसलिए मैं मुझको ऐसा लगता है कि इसमें इन्वेस्टमेंट है तो समय देना चाहिए। बाकी जो भी जानकारी मैंने दी, मैं उम्मीद करता हूँ आप इसको समझ पा रहे होंगे। मन में कोई सवाल होगा तो कमेंट में जरूर पूछ लीजिएगा, मैं सबके कमेंट का रिप्लाई देता हूँ, कन्फ्यूजन को दूर करने का प्रयास करता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तो अगले धन्यवाद, शुक्रिया।